आज हम आपको धातु रूप सिखाएंगे संस्कृत व्याकरण में। धातु माने क्रिया, गम धातु, धातु है, गच्छ क्रिया, गच्छत जाता है, क्रिया हो गई। अब आप देखिए गम धातु का रूप ऐसे चलता है, लट लकार में वर्तमान काल लट लकार, इसमें पांच लकार होते हैं आपको पता है, वर्तमान काल लट लकार, आज्ञा लोट लकार, विधि लिंग लकार और भूतकाल। आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है इसलिए आप इतना ही लर्न करेंगे। तो गम धातु का रूप चलेगा गच्छति, सहति, तौ, तः, ते, अन्ति, त्वं, सी, युवाम, थ, युवम, थ, अहम, आमि, आवाम, आवा, वयम, आमा, आप पढ़ चुके हैं। हमने तो गप गच्छ धातु में लगा दिया, गच्छति एक वचन में प्रथम पुरुष, गच्छतः गच्छन्ति मध्यम पुरुष में, गच्छसि गच्छतः गच्छथ उत्तम पुरुष में, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तीतः अन्ति, सीतः थ, आमि आवः आमः। अब आज्ञा लोट लकार में आइए, यहाँ तू लग जाता है आज्ञा लोट लकार में, सह तू, तौ, ताम, ते, अन्तु, तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, आ, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, और गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इसमें हलंत नहीं है, आप देख लीजिएगा भाई। हम में बेधिंग लकार में आ जाइए, बेधिंग लकार में है एत एतायाम, एत एताम एयुः, अब गच्छ में हमने जोड़ा, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छे। पेज नंबर टू पे आ जाइए, पेज नंबर टू पे केवल आपको नोट दिया गया है या खुद करेंगे, गम धातु की तरह दृश्य, दृश्य का चलता है पश्य, पश्य दृश्य धातु पश्य गुरु चलता है, पश्यति पश्यतः, पाक पिबति पिबतः, और आज्ञा लोट लकार में पिबतु पिबताम पिबंतु, बिहिंग लकार में पिबेत पिबेताम पिबेयुः। जैसे आपने ऊपर दे पढ़ा है वैसे ही ये भी इसका भी आप स्वयं लिखेंगे। रूप में आ जाइए, उकारांत पुलिंग शब्द, उकारांत पुलिंग शब्द में गुरु, गुरु पुलिंग होता है, तो गुरु हु, गुरु गुरवः, लिख दे रहा हूँ, गुरु हु, गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरोह गुरोह गुरुणाम, गुरव गुरुवोह गुरुषु, हे गुरु, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। ये हम पहले आपको आगे देखें, शायद लिखा भी है कोई, इतने उसे उससे देख लेंगे या पढ़ा रखा है। उकारांत, ये उकारांत आप देखिए, धेनु शब्द का मैंने लिखा है, धेनु उकारांत स्त्रीलिंग है ये, धेनु धेनु धेनवः, धेनुम धेनु धेनून, और धेन्वा धेन्वा, धेनुभ्याम धेनुभि, धेन्वे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनु धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः,
धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेनौ धेन्वोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवा। ये श्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में यही चलता है। आप देखिए मधुनी मधुनी प्रथमाद्वितीय है एक तरह से चलेगा, और तृतीया में आपकी मात्रा मधुना मधुभ्या मधुभी मधुने मधुभ्या मधुभ्या मधुना मधुभ्या मधुभ्या और मधुना मधुनो हो मधु मधु मधुना मधो हो मधु मधुनाम मधौ मधो हो मधुसु हे मधु हे मधु हे मधवा। ये मधु शब्द का रूप चलेगा। गुरु का रूप आपको लिखना है गुरु गुरु गुरवः। तरु का रूप आपको लिखना है तरु तरु तरवः। ये होमवर्क है, आप देख लें। और तरुणा तरुभ्याम तरुभिः, ये पुल्लिंग शब्द है ये, इसलिए आप इसे उसी तरह से लिखेंगे। तरु तरु तरवः तरुम तरु तरुण तरुणा तरुभ्याम तरुभिः। रा है इसलिए नाकणा हो जाएगा, तरुणा तरुभ्याम तरुभिः। तरवे तरुभ्याम तरुभ्या तरोह तरुभ्याम तरुभ्यः तरो तरवोह तरुषु हे तरो हे तरु हे तरवः। ये वैसे ही चलेगा जैसे पहले आपको बताया है। अब इसमें साधु शब्द का रूप आपको लिखना है, ये होमवर्क के रूप में है ये, इस इज योर होमवर्क। इसे आप वैसे करें जैसे ऊपर हमने लिखाया है, इसका ध्यान रखिएगा आप। उकारांत पुल्लिंग शब्द, ये भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है, और ये बस इतना ही आप आपको खूब करके और हर सैटरडे को कापी जमा कर दें चेक करने के लिए, और मंडे को ले जाएं। मैम ने मैसेज किया है इसके बारे में, थैंक यू।